नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल ग्राम में। दोस्तों, हमारा ईमेल ऐसे मेल से भरा रहता है जिनके बारे में हमें ना ही कोई जानकारी होती है, ना ही हमारा उनसे कोई लेना देना होता है। हमारे इनबॉक्स के अंदर काम के मेल कम और फालतू के मेल ज्यादा भरे होते हैं। हमारे इनबॉक्स के अंदर ज्यादातर विज्ञापन वाले मेल्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस तरह के फालतू के मेल से छुटकारा पा सकते हैं, ताकि इस तरह के बेकार मेल्स कभी भी आपके इनबॉक्स में ना आए। इसीलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ग्राम चैनल को और साथ में उस बेल आइकन को भी दबाइए हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, जब आप अपने जीमेल को ओपन करेंगे तो ऊपर ही आपको यहाँ पे तीन टैब देखने को मिलता है, प्राइमरी, सोशल और प्रमोशंस। प्राइमरी के अंदर आपके पर्सनल मेल यानी कि जो भी प्राइमरी मेल होते हैं वो आपको देखने को मिलता है, या फिर अगर आपने अपने जीमेल के आईडी से किसी भी नौकरी वेबसाइट या फिर शॉपिंग वेबसाइट पर रजिस्टर कर रखा है तो वो सारे मेल्स भी आपको प्राइमरी में देखने को मिलता है। सोशल के अंदर दोस्तों, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जितने भी मेल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपने अपने जीमेल के आईडी से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर लिंक्डइन पे रजिस्टर कर रखा है तो वो सारे मेल्स आपको यहाँ सोशल के अंदर देखने को मिलता है। प्रोमोशंस के अंदर दोस्तों, आपको प्रोमोशनल मेल यानी कि विज्ञापन वाले मेल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब दोस्तों, यहाँ पे प्रोमोशनल मेल भी दो तरीके का होता है। पहला वो जिसे आपने खुद उस वेबसाइट पे जाकर अपने जीमेल के आईडी से रजिस्टर किया होता है ताकि उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम आपके जीमेल के आईडी पे मिलता रहे। दूसरा प्रमोशनल मेल वो होता है जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती है, आपने कभी भी उसके वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर नहीं किया होता है, लेकिन फिर भी उसके सर्वर से आपके पास मेल आता है और आपका इनबॉक्स यहाँ पे भरता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे जीमेल पे बहुत सारे ऐसे विज्ञापन वाले मेल भरे हुए हैं जिनके बारे में मैं जानता भी नहीं और मैंने कभी भी इनके वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर नहीं किया। तो ऐसे फालतू के मेल से छुटकारा पाने के लिए, इनको परमानेंटली ब्लॉक करने के लिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी उस ईमेल आईडी से आपके पास कोई भी मेल ना आए, आपको क्या करना है, आपको उस ईमेल को ओपन करना है। ईमेल ओपन करेंगे तो जहां पे ये ईमेल आईडी दिया होता है उसी के आगे आपको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखता है, फिर जब आप मेल को स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको अनसब्सक्राइब का ऑप्शन दिख जाएगा, और ये अनसब्सक्राइब का ऑप्शन हर मेल में होता है, ऊपर मिले या फिर नीचे मिले या फिर दोनों जगह मिले। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल ऊपर या फिर नीचे आपको यहाँ अनसब्सक्राइब पे क्लिक करना है, फिर से अनसब्सक्राइब पे क्लिक करना है। अब ये यहां से अनसब्सक्राइब हो जाएगा, उसके बाद से इस ईमेल आईडी से आपके पास फ्यूचर में कोई भी मेल नहीं आएगा। फिर भी अगर आपके पास इस आईडी से मेल आता है तो दूसरा उसका ऑप्शन ये है कि यहां देखिए राइट साइड में तीन डॉट का निशान दिखेगा, आपको यहाँ तीन डॉट के निशान पे क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें से एक ऑप्शन है ब्लॉक का, रिपोर्ट स्मॉम, और तीसरा है रिपोर्ट फिशिंग। आपको यहाँ ब्लॉक पे क्लिक करना है, फिर से ब्लॉक पे क्लिक कर देना है और ये ईमेल आईडी ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद इस ईमेल आईडी से आपके पास कोई भी मेल नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर मेल मान लो आ जाता है तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तीन डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ रिपोर्ट स्पाम कर देना है। उसके बाद से तो 100% गारंटी है कि उस ईमेल आईडी से आपके पास कभी भी मेल नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, जो मेल आपके पास ऑलरेडी पहले से आ चुका है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरा पूरा इनबॉक्स भरा हुआ है यहाँ प्रमोशंस के अंदर, अब जो मेल पहले से आ गया है उनको कैसे डिलीट करें, तो उनको डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं एक ये ईमेल आईडी ले लेता हूँ और यहाँ से आपको क्या करना है, उसके ईमेल आईडी को कॉपी कर लेना है। यहाँ से ऊपर से कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ ऊपर सर्च बॉक्स में जाना है, उसके ईमेल आईडी को यहाँ पेस्ट करना है, इंटर करना है। इस ईमेल आईडी से जितना भी मेल आया होगा पहले वो पूरा लिस्ट आ जाएगा। आपको यहाँ ऊपर चेक मार्क करके सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आपको दिख जाता है और ये है रिपोर्ट स्पैम का, तो आपको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है और वो सारा ईमेल आपके इनबॉक्स से गायब हो जाएगा। ऐसे करके आप ऐसे फालतू के मेल से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और दोस्तों अगर आपको मोबाइल से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे दूसरे चैनल मोबाइल ग्राम को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस देखने को मिलेंगे और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।